नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट जीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे लंग्स की इम्यून सेल्स के बारे में, और डिस्कस करेंगे कि हमारे जो लंग्स की इम्यून सेल्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करती हैं इस वायरस के अटैक को रोकने के लिए, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका कितना योगदान है। दोस्तों, आप देखिएगा, कोविड 19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और इसी टाइम पीरियड पे ऑलमोस्ट जो कोविड का नया वर्जन 2.0 कोरोना, वो यहाँ पे भारत में अपडेटेड हो चुका है। और इसके ऑलमोस्ट दोस्तों, मैं आपको न्यू अपडेट बता दूँ, 29 केसेस मिल चुके हैं, जिसका नया नाम है कोविड स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेन वायरस है दोस्तों, इसको जनरली जो रिसर्च किया है वो एक्चुअल में यहाँ पे करोलिस्का इंस्टीट्यूट ने इस रिसर्च में बताया है कि कोविड 19 का जो नया अपडेट वर्जन है वो कितना खतरनाक है, और कितने खतरनाक होने की वजह से दोस्तों 70% जो एक हाई फ्रिक्वेंसी के साथ उसके जो सेल्स डेवलप होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक चिंता का विषय बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो डिसीज़ हैं इसके कॉजेज़ हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और यही जो सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे करोलिंक्स का इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे डिस्कवर करके और उस पर रिसर्च करके अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। और उस रिपोर्ट में बताया है कि हमारे लंग्स के अंदर जो हमारे इम्यून सेल्स हैं उनका कितना बड़ा योगदान है इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इस कोविड के नए वर्जन स्ट्रेन सेल्स को और प्रॉपर कोविड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो दोस्तों, आपके सामने एक इम्यून सिस्टम का डायग्राम शो हो रहा होगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से इम्यून यहाँ पे वर्क करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, लिम्फ नोड्स दोस्तों वे होते हैं जहाँ से हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग डेवलप होता है, और हमारे ब्लड की आरबीसीज में जाकर के कोलेप्ट कर के हमारे शरीर में आने वाले जो बाहरी टॉक्सिक हैं उनको मारने का वर्क करता है। इसके बाद दोस्तों, अपेंडिक्स भी कुछ इसी प्रकार से वर्क करता है। देन दोस्तों, जो बोन मैरो है यानी बोन मैरोज है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, और बोन मैरो हमारे शरीर की जो आरबीसी के निर्माण में मदद तो करता ही करता है, साथ में जो आने वाले इंटरनली टॉक्सिस हैं उनको मारने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद दोस्तों, कि हमारे अंदर जो थाइमस होता है, थाइमस ये गले के पास दोस्तों यहाँ पे होता है, आप इसको देख पा रहे होंगे, थाइमस से थायरोक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी मदद करता है। इसके बाद दोस्तों, स्प्लीन हो गया, स्प्लीन यानी ब्लड बैंक, हमारे शरीर के अंदर एक ब्लड बैंक होता है जिसको स्प्लीन कहते हैं, और स्प्लीन जनरली जो ब्लड रिजर्व करके रखता है उसमें कुछ ऐसा इन्फेक्शन ना हो जाए, उसमें कुछ त्रुटि या क्षति ना हो जाए, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे जो WBCs हैं वो भी, लिम्फोसाइट्स हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा लंग्स, और लंग्स से ऑलमोस्ट इम्यून होमोसाइट्स एंड ट्यूमर कॉलोनाइजेशन एंड ट्यूमर क्लियरेंस नाम के 3 सेल्स डिवाइड होते हैं, जो कि दोस्तों अगर हम बात करें इम्यून होमोसाइट्स के बारे में, तो इम्यून होमोसाइट जो है वो एक सस्पेंशियस होता है कि पल्मोनरी फैक्टर जो कि रिस्पॉन्स आउट करता है, और हमारे लंग्स का सबसे छोटा पार्ट जिसको हम कहते हैं एल्बुलाई, और एल्बुलाई वहाँ पे जाके वर्क करता है, हमारे लंग्स में होने वाले जो बाहरी इन्फेक्शंस हैं उनको यहाँ पे रोकने का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका इसकी होती है। देन की दोस्तों, जो ट्यूमर कॉलोनाइजेशन है उसकी वजह से हमारे लंग्स के ही अंदर दोस्तों ट्यूमर बढ़ने लगता है, जिसके माध्यम से उस ट्यूमर को ब्रेक करने के लिए, ट्यूमर को रोकने के लिए जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और सजग होना पड़ता है, जिसके माध्यम से दोस्तों एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी यहाँ पे बूस्टअप हो जाती है, और हमारे लंग्स इतने स्ट्रॉन्गेबल इम्यूनिटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट दोस्तों जो इंटरनली पार्ट है वहाँ पे जाके लंग्स में ही वो इन्फेक्शन करता है, और वही लंग्स के अंदर जब एंटी बॉडी यहाँ पे निर्मित हो जाती है तब वो एंटीबॉडी जो बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज, वायरस, चाहे वो एयर के थ्रू आए, वाटर के थ्रू आए, या फिर हमारी ईटिंग यानी भोजन के थ्रू आए, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, उनको यहाँ पे मारना, इनकी काफ़ी बड़ी एक भूमिका होती है। इट्स
कि लंग्स इम्यून सेल्स इसमें कितनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसके बाद दोस्तों माइक्रोफेजेस की अगर हम बात करें तो ये वायरस अटैक में जो माइक्रोफेजेस सेल्स हैं उनका भी काफ़ी बड़ा एक योगदान होता है। और ऑलमोस्ट दोस्तों इस सिस्टम में हमारे जो लंग्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इस COVID-19 के जो सेपरेशन है, जो सेपरेट सेल्स होते हैं, इन सेल्स को डिवाइड होने से ये लंग्स सेल्स यहाँ पर बचाते हैं और हमारे शरीर को प्रॉपर एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की तहत दोस्तों उसको यहाँ पे बूस्टअप करके रखते हैं। और दोस्तों एक स्टडी के माध्यम से जो आरएनए सीक्वेंसेस देखने को मिली है डिस्कवर्ड टू ब्लड मोनोसाइट्स, क्योंकि हमारे शरीर में मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स नाम की जो सेल्स हैं वो यहाँ पे इम्यून बूस्टअप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके माध्यम से हमारे ब्लड मोनोसाइट्स हैं बिकम टू द ह्यूमन लंग्स माइक्रोफेसेस, तो इसमें इनका काफ़ी बड़ा एक योगदान होता है। और ये योगदान जैसा कि मैंने आपको बताया कि कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने इसको यहाँ पे डिस्कवर किया है और दैट्स की ये स्टडी में पाया है कि हमारे लंग्स जो हैं वो कितना प्रोटेक्टिव और एक हेल्दी तरीके से अपने इम्यून सिस्टम को लगातार वर्कआउट करने में अपनी जो है मदद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ क्लासिकली अगर हम स्टडीज़ देखें तो ऑलमोस्ट की जो मोनोसाइट्स हैं वो माइग्रेट करके एयरवे के थ्रू लंग्स टिश्यू में यहाँ पे कन्वर्ट होकर के इंटरनली पार्ट में पहुंच जाते हैं, जिसके माध्यम से दोस्तों लंग्स में कई प्रकार के इन्फेक्शन, कई प्रकार के सिस्टम्स उत्पन्न करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ मोनोसाइट जो है वो HLA और उसी को हम यहाँ पे इंटरमीडिएट इम्यून सेल्स भी कहते हैं, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं और हमारे ब्लड में घुल करके दोस्तों ये इंटरनली पार्ट में जा करके वहाँ होने वाले टॉक्सिक, वहाँ होने वाले ब्लड सर्कुलेशन, उसमें हमारे लंग्स टिश्यूज़ उनको यहाँ पे कंट्रोल आउट करते हैं और बाहरी जो आने वाले टॉक्सिक हैं उनको तुरंत किल करना, उनको तुरंत मारना हमारे लंग्स की बॉडी का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा ये भाग यहाँ पे होता है। चाहे वो स्ट्रेन वायरस हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो या फिर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उसमें प्रोटेक्ट करने का काम इनका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देन दोस्तों आपने एक डिप्लोकोकस इम्यून का नाम ज़रूर सुना होगा जो कि हमारे सर्दी जुकाम से लेकर के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, एक्टिव रहता है, उसको भी कंट्रोल आउट करने में हमारे लंग्स की इम्यून सेल्स का काफ़ी बड़ा एक महत्व होता है, जो कि होने वाले छोटे मोटे चाहे वो सर्दी जुकाम हो, देन कि कोई भी वायरस या बैक्टीरियाज हो, वो अगर अटैक करने की बात यहाँ पे करते हैं तो हमारे लंग्स में उपस्थित जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको वो तुरंत किल करने का काम यहाँ पे कर देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।